परमहंस गुरु हंस रूप धर। परमहंस गुरु हैं, वो स्वतंत्र हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको बद्ध नहीं कर सकता। कहीं एक दर्शन हुए, बाप रे विलक्षण, गुरु रूप से स्वीकारा, प्रार्थना की, तब वो परमहंस हंस रूप धारण करके शिष्य के हृदय में विराजमान होते हैं। हंस कहते ही हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो चलती रहती है, अब मेरे प्राण में विराजमान है गुरु, और मैं प्राण पे थोड़ा सा भी संतुलन लाऊं, तब जाके गुरु की वाणी सुनने लगती हैं। मंत्र जो दिया है, अब एक वो स्थूल शब्द राशि नहीं रही, वो चैतन्य होने लगती हैं, क्योंकि मैंने बड़ी ही सावधान होकर थोड़ा सा आयाम कहो, स्ट्रेचिंग वगैरह कहो, प्राणायाम करके फिर निनाद की प्रक्रिया को उस प्रकार से अपना के एक वाहन दिया है। ये मेरा श्वास प्रश्वास जो नियंत्र चल रहा है, यही उस नाद का एक वाहन है। हंस ये हंस जो चल रहा है, उसी में अभी गुरु शक्ति की झलक मुझे मिलने लगेगी। मेरे पंच प्राण वही उसी उन्हीं का धुन गाएंगे, तब जाके वो हंस रूप से शिष्य के हृदय में बैठे हैं।